आज आप जहां हो वहां संतुष्ट हो गए तो आपके कदम पीछे आने लगेंगे, इसलिए रुकना नहीं, कामयाबी के लिए लगातार प्रयास जरूरी है। क्रिकेट एक यूनिक गेम है, रोजाना नया होता है। खिलाड़ी जितनी मेहनत करेगा उतना उसका खेल निखर कर सामने आएगा। यह बातें पूर्व भारतीय क्रिकेटर व CADC के चेयरमैन प्रशांत वैद्य ने IMA हॉल में आयोजित नागपुर क्रिकेट अकादमी के वार्षिक उत्सव के दौरान खिलाड़ियों से कही। उन्होंने खिलाड़ियों से कहा कि फील्ड में क्रिकेट जो सिखाता है वह किताब भी नहीं सिखा पाती, इसलिए क्रिकेट में डेडिकेशन के साथ पूरी तरह इन्वॉल्व होना जरूरी है। पेरेंट्स को सीख देते हुए कहा कि खेल में पेरेंट्स का दखल स्टेडियम के बाहर तक ही होना चाहिए, यदि ऐसा नहीं हुआ तो खिलाड़ी आगे नहीं बढ़ पाएगा। कार्यक्रम में VCA के वाइस प्रेसिडेंट अविनाश देशमुख मुख्य रूप से मौजूद थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए NCA के माधव बाकरे ने कहा कि 19 वर्ष से हम लगातार खिलाड़ी तैयार कर रहे हैं, ये खिलाड़ी VCA टीम में भी अपना योगदान दे रहे हैं। 2021-22 में 8, 2022-23 में 10 और 2023-24 में 13 प्लेयर NCA के रणजी टीम में शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान NCA से प्रशिक्षण प्राप्त की गई खिलाड़ियों का सम्मान किया गया। कि 2000 नागपुर क्रिकेट अकेडमी की शुरुआत 2005 में अभ्यंकर नगर के ग्राउंड के ऊपर में हुई और वो अकेडमी चालू करने के पीछे केवल और केवल एक ही उद्देश्य था कि जो बच्चे खेलने वाले हैं, जो बच्चे अच्छा खेलने वाले हैं, उन बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा खेलने के लिए मिले। उस समय तो मालूम नहीं था कि परिस्थितियाँ कैसी बनेंगी, लेकिन 2005 में जब अभ्यंकर नगर में अकेडमी चालू हुई तो उस समय का मैं आपको, ये था अपना ऑफिस जहाँ पर अपन सामान रखते थे और ये था अपना ग्राउंड जो विकेट थे, दो सीमेंट विकेट और दो टर्फ विकेट, यहाँ से अपन अकेडमी चालू किए थे। लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ कि उस समय भी जो अपनी विकेट थी वो बहुत अच्छी क्वालिटी की विकेट थी और नागपुर क्रिकेट अकेडमी इतनी लकी रही कि जब चालू हुई उसके बाद 6 महीने के अंदर ही अलीम नायडू रणजी, उस समय के जो रणजी ट्रॉफी के बड़े नाम थे, अलीम नायडू, उसके बाद में संदीप सिंह, उसके बाद में मोहम्मद हाशिम, उसके बाद में OMR अफजल, ये सारे लोग उस समय वहाँ पर बैटिंग करने के लिए आते थे। और उसके पीछे मेरे ख्याल से रीज़न केवल और केवल ये था कि विकेट्स की क्वालिटी बहुत अच्छी थी। हालांकि उस समय अपने पास में केवल दो टर्फ और दो सीमेंट विकेट थी, लेकिन दोनों विकेट्स की क्वालिटी बहुत अच्छी थी जिसके कारण ये सब पॉसिबल हुआ था। उसके बाद 6 महीने के अंदर में वो दो विकेट से अपन 7 विकेट पर पहुँच गए, अपने पास में 7 टर्फ विकेट्स और 2 सीमेंट विकेट्स थी और देखते देखते 1.5 साल के अंदर में अपने पास करीब 100 बच्चे हो गए थे। और उस समय सरस्वती स्कूल के बच्चे अपने यहाँ पर मेनली प्रैक्टिस किया करते थे। सरस्वती स्कूल शाम को 5:15 बजे तक चलती थी और ठंडी के दिनों में 6 बजे अंधेरा हो जाता था तो उन लोगों की प्रैक्टिस ही नहीं हो पाती थी। खेलने के लिए उनको जो समय मिलता था वो मुश्किल से आधा पौना घंटा या सुबह के समय पर अगर वो आए तो अपन शुरू से ही अपना ग्राउंड हरा होना चाहिए इस उद्देश्य के साथ में ही काम करते थे। ग्राउंड हरा किया तो उसमें ड्यू बहुत रहती थी इसलिए सुबह प्रैक्टिस बहुत अच्छे से नहीं हो पाती थी, इसलिए रात को लाइट्स की व्यवस्था की गई और बड़े लोगों की प्रैक्टिस खत्म होने के बाद में 7 बजे से 10 बजे तक सरस्वती स्कूल की और अपने क्लब के बच्चों की प्रैक्टिस हुआ करती थी। कैमरा पर्सन राजकुमार मोड़ के साथ अभिषेक पानसी, BCN News, नागपुर।